अगर आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना है जो कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे बनता है, जिसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है एससी या फिर एसटी का, तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे बना सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की इस ऑनलाइन सेवा में जो ई पोर्टल है, जिसमें आप सिटीजन लॉगिन के द्वारा जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्रूव होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, तो आपको बताएंगे किस तरह आपने कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना है। स्पेशली जो लेडीज़ जिनकी मैरिज हो चुकी है और उनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना है कास्ट का, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद रहता है आपका लॉगिन का प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपको अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा। ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको आपने यहाँ एंटर करना होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर द न्यू सर्विस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्विस आता है, और यहाँ पे आपने पेज को स्क्रॉल करना है। डिपार्टमेंट वाइज कंप्लीट लिस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, इसको पेज को आपने स्क्रॉल करेंगे नीचे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन, तो इस वाले कॉलम पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो पेज का निशान बना है इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, दूसरा रहता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि प्रधान के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ रहता है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, तो ये आपको फिलअप करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे अपना जो सरनेम चूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम है तो यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट नेम है तो यहाँ पर मैंशन करेंगे। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन में यहाँ से अपना कौन से रिलीजन से संबंधित है तो यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर रहता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंपलसरी है मोबाइल नंबर लिखना। और यहाँ से कैटेगरी से एससी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। जब आप यहाँ से एससी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो एप्लीकेंट कास्ट आ जाती है, जो कि आपके प्रधान के द्वारा और आपके पटवारी के द्वारा जो आपको कास्ट फॉर्म में लिखी गई है वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कास्ट रहती है आपकी, तो यहाँ से आपने वो कास्ट चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, और यहाँ से मोड ऑन डिलीवरी ऑनलाइन करना है। उसके बाद यहाँ इसको परिवार सर्च की अगर ज़रूरत है आपको परिवार नकल आपने अटैच करनी है तो यहाँ से परिवार सर्च करके अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ के आपने यहाँ से अपनी फ़ोटोग्राफ जो है इसमें चूज़ फाइल करके अटैच करनी है, और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद रहता है फादर मदर और हस्बैंड डिटेल, यहाँ से सबसे पहले अपने रिलेशन सेलेक्ट करना है, जिसके नाम से परिवार नकल है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसका क्या संबंध है। जैसे अगर कोई मैरिड लेडीज़ है उसको वाइफ ऑफ करके यहाँ से चूज़ करना होगा, और यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, मिडिल नेम यहाँ होगा और लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ से पेज अपने स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आ जाता है आपके फादर का नाम, जो मैरिटल लेडीज़ है उसी के, तो यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे, मिडिल नेम है तो यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज़ खाली छोड़ देंगे, लास्ट नेम है तो यहाँ पर लिखेंगे। जो टाइटल में थर्ड में रहता है, यहाँ पे आपके हस्बैंड के फादर का नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ये कॉलम रहता है जो वाइप ऑफ करके अगर आप कास्ट का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो इस तरह आपको फिलअप करना होगा। और डॉटर ऑफ या सन ऑफ करके बनाएंगे, तो उसके लिए जैसे यहाँ से आपने सेलेक्ट किया डॉटर ऑफ या सन ऑफ, तो यहाँ पर आपके फादर का नाम आएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर के फादर का यानी कि आपके दादाजी का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यही जो रहता फॉर्मेट मैरिड और अनमैरिड कैंडिडेट का, जिसमें यहाँ से ये कॉलम चेंज हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपने परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे आपकी स्टेट आएगी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है यहाँ से चूज़ करेंगे, तहसील कौन सी है यहाँ से चूज़ करेंगे, पटवार सर्कल कौन सा है, विलेज का नाम यहाँ से चूज़ करेंगे। अगर अदरवाइज़ यहाँ पे विलेज का नाम नहीं आता है तो आप यहाँ पे लिख कर जो है सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है जिसमें पैटर्नल मैटर्नल एड्रेस रहता है, ये आपने केयरफुली फिलअप करना है। जो मैरिड लेडी है उनको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से रिलेशनशिप में अपने फादर का यहाँ पे अपने एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ पे फादर का चूज करेंगे, कैटेगरी एससी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो आपकी पैटर्न जो आपकी बाय बर्थ जो कास्ट रहती है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। इसके बाद अपना एड्रेस स्टेट यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कहाँ पे आपका जो मायका था जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, और तहसील कौन सी है, पटवार सर्कल कौन सा है, विलेज कौन सा है, और तो ये पूरा का पूरा फिलअप करेंगे। उसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जो कैंडिडेट अनमैरिड है और सन ऑफ डॉटर ऑफ करके अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ से फादर चूज़ करना है और अपनी कैटेगरी जो आपकी एज ए प्रेजेंट में है वही आप यहाँ से चूज़ करेंगे। और उसके बाद ये सारे के कॉलम जैसे एड्रेस डिस्ट्रिक्ट पटवार सर्कल सेम ही रहेंगे और नेक्स्ट और सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रहता है अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच करने हैं, सबसे पहले रेजिडेंस प्रूफ में यहाँ पे आपके परिवार नकल रहेगी। जो मैरिड कैंडिडेट है, जो लेडी है मैरिड, उसको यहाँ पे दोनों तरफ की परिवार नकलें अटैच करनी होगी, अपने मायके की भी और अपने ससुराल की भी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रधान का यहाँ पे जो कास्ट का सर्टिफिकेट दिया है वो उसको आपने यहाँ अटैच करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका फोटोग्राफ, अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आप पटवारी की जो कास्ट की रिपोर्ट दी है उसको भी अटैच कर सकते हैं। ये मैरिड लेडीज़ के लिए है, मायके की तरफ से जो पटवारी ने रिपोर्ट दी है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अप्रूवल मिलेगा और जो आपकी आईडी बनी हुई है उसमें ही आपको सर्टिफिकेट दोबारा से इशू होगा। अगर कोई दिक्कत रहती है करेक्शन करने की तो वो भी आपको इसी जो आपने आईडी बनाई है उसी में आपको दर्शाएंगे।